brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं और अगर इन नतीजों को देखा जाए तो इसमें एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनती दिखाई दे रही और अगर चुनाव रिजल्ट में भी इसी तरह के नतीजे रहते हैं तो पीएम मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों का भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अनुकरण किया गया है और ऐसे में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में बन रही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक लेख जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया है कि सर्वे से पता चल रहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जीतने की संभावना है और इस पर चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी समग्र घरेलू और विदेश नीतियां पहले की तरह बनाए रखेंगे। वो भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश जारी रखेंगे, मतभेद दूर करने के लिए संवाद बना रहे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी एक्सपर्ट्स ने भारत और चीन के बीच सहयोग पर जोर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए खुला संवाद बना रहेगा। चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में विदेश नीति में किसी तरह का बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। अगर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार सत्ता में बने रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। वहीं ग्लोबल टाइम्स में आगे कहा गया, भारत के लिए ये जरूरी है कि वो चीन के साथ संबंधों के प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण बनाए रखे। बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने के लिए चीन के साथ भारत को सहयोग करना चाहिए। चीन और भारत के बीच टकराव बढ़ने की संभावना नहीं है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों सहित कई देशों के साथ चीन के संबंध अब सुधर रहे हैं। वहीं लेख में बताया गया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण और सार्थक हैं। चीन को अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति को तत्काल हल करने की जरूरत है ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में असमानता को पीछे छोड़ा जा सके। वहीं चीन के अलावा एग्जिट पोल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी हलचल दिखी। जियो ने अपनी रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन पोस्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने विश्वास जताया है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया की खिसियाहट देखने को मिली। अपने देश की हालत को भूलकर उसने अपने रिपोर्ट में लिखा, विपक्ष ने बड़े पैमाने पर सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों और संविधान को मोदी के तानाशाही शासन से बचाने के लिए अभियान चलाया है। भाजपा इस आरोप से इनकार करती है। सर्वेक्षणों में कहा गया है कि 1.4 अरब लोगों के बहुसंख्यक हिंदू देश में मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख चिंताएं हैं। वहीं इसके अलावा पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी एक रिपोर्ट छापी। डॉन ने लिखा कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता। भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है क्योंकि उनके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। डॉन ने लिखा, नतीजे घोषित होने पर मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है जिसका मुख्य कारण उनकी आक्रामक चैंपियन वाली छवि है। खैर, ये तो पाकिस्तान चीन का रिएक्शन था, उनकी खिसियाहट देखने को मिली। लेकिन भारत के एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।